चलो लास्ट हमने इंसर्ट करना सीखा, अभी हम फेच कराना सीखेंगे। ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं रीड डेटा या रीड टेबल। तो अभी एक सिंपल एक ही स्पेसिफिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही टेबल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वापस वही चीज़ है, पहले कनेक्ट करेंगे, पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, जो हमने कनेक्शन का फंक्शन बना के रखा है, राइट। और पॉइंटर हमारा कर्सर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, ये ले लेंगे, यहाँ डाल दिया। अब हमारे पास यहाँ क्वेरी पास करनी है, तो क्वेरी कैसे करेंगे, यही एसक्यूएल करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम पॉइंटर डॉट एग्जीक्यूट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज पहले ले लेते हैं पॉइंटर डॉट एग्जीक्यूट, ये ले लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देखो क्या लिखते हैं हम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब ये जो डेटा आएगा ये डेटा कहाँ स्टोर होना, कहीं तो स्टोर होगा, ये पॉइंटर में रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ ले लेते हैं फॉर आइटम इन पॉइंटर प्रिंट आइटम। ठीक है, और फिर इसको हम देखते हैं रीड टेबल प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट अस चेक, ये कमेंट करते हैं रीड टेबल हमारे में, ये देखो सारा डेटा वहाँ से फैच होके आ गया। अब ये तो हो गया सारा डेटा रीडिंग। ठीक है, कई बार वेयर कंडीशन वेयर क्लॉज आ जाते हैं, वेयर राइट, ये है हम ले लेते हैं 1001 यूज़र आईडी। ठीक है ना, यूआईडी यानी यूज़र आईडी। देखो यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1001। देखिए जब एक किया तो एक आया, लेकिन ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट डेटा हुआ, कांस्टेंट डेटा हुआ। हम कांस्टेंट डेटा को हम यहाँ करेंगे डायनामिक काइंड ऑफ थिंग, वेयर यूजर आई डी परसेंटेज एस हम यहाँ पे ले लेंगे, इधर यूजर आई डी के लिए एक जैसे हमने इंसर्ट किया था वही यहाँ पे लेंगे, एंटर यूजर आई डी। ओके, अब कौन सी यूजर आई डी सर्च कर रहे हैं हम यहाँ यूजर आई डी कर रहे हैं ये वाले। तो अगर फिर ऐसा करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बना लूँगा मेरा एक एसक्यूएल वेरिएबल, ये मेरा SQL का वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू मैं ले रहा हूँ यूजर आईडी से, दैट इज गोइंग टू बी यूजर आईडी। पॉइंटर डॉट एग्जीक्यूट में SQL कॉमा वैल्यू। ठीक है, अब रन करते हैं, राइट, यहाँ पे लिखते हैं 1002। देखो कॉमा जानबूझ के डाला है, इट हैज़ टू बी टपल, हैज़ टू बी टपल, देखो राइट 1003, तो ये एरर देगा, तो ये टपल होना चाहिए इसलिए मैंने कॉमा दिया, अदरवाइज वो टपल होता नहीं, वो फंक्शन की तरह काम करता, राइट, सिंगल वैल्यू। इस तरह से यहाँ पे आपने जो वैल्यू दी वो है ही नहीं तो डिस्प्ले नहीं करेगा, है तो एरर तो नहीं दिया, काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह से हम डेटा रीड करा सकते हैं। ओके, ये रीडिंग का भी हो गया, किस तरह से हम रीड कर रहे हैं, किस तरह से हम राइट कर रहे हैं, किस तरह से हम क्वेरी लगा रहे हैं। अब आपको करना है जनरली मेनू ड्रिवन। मेनू ड्रिवन कैसे होगा, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, मेनू ड्रिवन की प्रैक्टिस करनी है आपको।